बताओ बेटा, फहज मारता है तुम्हें, हाथ उठाता है तुम पे? नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे बताओ ये सब कब से चल रहा है? बेटा क्या है ये सब? तुम्हारी आह हमें ले डूबेगी। क्यों खामोश है के दर्द सह रही हो? मुझे बताओ ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है वो, आप प्लीज टेंशन ना लें। आप इस बात को लेके परेशान होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए वो कसूर मेरा था, पर उन्हें गुस्सा चढ़ गया। और क्या मतलब गुस्सा आ गया? तो वो गुस्सा तुम पे उतारेगा? बीवी पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती उसे? या अल्लाह ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मियां परेशान मत हो, ये दोबारा नहीं होगा, आप प्लीज परेशान मत हो। आपने खाना भी नहीं खाया, तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी, आपने मेडिसिन ली? केला छोड़ दो मुझे। हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। आप आयान ने तो नहीं कुछ कहा आपको? मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, अब कल जल्दी आ जाना, लड़के वालों ने हमें बुलाया है, उनके घर जाना है। अच्छा बाबा, इतना नाराज क्यों हो रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप उन्हें कल का वक्त दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। आयान से बात की तुमने? हाँ बात की है, उसे कोई एतराज नहीं। अच्छा बात सुनो, तुमने सलवा से शादी अपनी पसंद से की है ना? ये कोई वक्त है ये सवाल पूछने का? जो पूछा उसका जवाब दो। सलवा तुम्हें पसंद थी ना? तो फिर उसे मार के अपने कौन से जज्बे की तस्कीन कर रहे हो? ये उसने कहा है आपसे? मैं सोच भी नहीं सकती थी बाज कि तुम उस मासूम के साथ ऐसा सुलूक करोगे। जुल्म है वहाज, ये जुल्म है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, आपको गलत फहमी होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने खुद उसके जख्म देखे। क्यों उस बच्ची की आह ले रहे हो? बहुत पछताओगे।